Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Namaskar, aap dekh rahe First Bite TV aur main hu aapke saath Nirupa Ansari. Meerut Hasnapur ke gram Parla mein hue Vishu hatyakand ke ek aaropi ko police ne mudbheer ke baad giraftar kar liya hai. Aaropi Anas ke pair mein goli lagi hai jabki uske saath hi अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब रहे। पोस्टमार्टम के बाद विशु का शव गांव आने पर परिजनों में ग्रामीणों ने आरोपियों के घर व फसल को आग के हवाले कर दिया था। इस बवाल में 14 नामजद और 150 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पल्ला गांव निवासी विशु की उस वक्त गोली बरसाकर हत्या कर दी गई थी जब वह प्राथमिक विद्यालय की दीवार के पास अपने एक साथी के साथ बैठा हुआ था। हत्याकांड के बाद परिजनों ने ग्राम प्रधान गजेंद्र सिंह और दूसरे समुदाय के कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। बीती रात मुख्य आरोपी अनस की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। उस वक्त अनस अपने साथी शहनजीम और दो अन्य के साथ अपने गाँव पलवा की तरफ जा रहा था। फरार शहनजीम पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। अनस पड़वा का निवासी है। इस बारे में एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने यह जानकारी दी। थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत एक युवक की हत्या कुछ लोगों के द्वारा 9 तारीख की शाम को की गई थी और उसके बाद इस प्रकरण में एक मुकदमा धारा 302 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था जिसमें कि कुछ लोग नामजद थे और कुछ अज्ञात थे। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें छानबीन की गई। छानबीन के दौरान इसमें जो मुख्य नामजद अभियुक्त अनस है उसका जो रोल है वो सामने आया और आज इसमें पुलिस के द्वारा अभियुक्त की धरपकड़ की जा रही थी और चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था जिसमें कि जो अनस नाम का अभियुक्त है वो मोटरसाइकिल से आ रहा था और उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया जिसमें प्रत्युत्तर में पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई जो उसके गोली लगी है। पुलिस के द्वारा इसमें जो अभियुक्त है उसको जो घायल है उसको अस्पताल भेजा जा रहा है। साथ में जाते हुए उसने बताया कि उसके द्वारा साथ में शाह नजीम और अन्य के द्वारा इसमें इस हत्या को वर्चस्व और टशन की जो लड़ाई थी उसको लेकर ये इस हत्या को अंजाम दिया गया। इसमें जो शाह नजीम है उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम अभी किया जा रहा है और जो अन्य अभियुक्त शेष बचे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इसमें 5 टीमें अन्य लगाई गई हैं जिनकी अतिशीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंजाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।